आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, अंबेडकर नगर से बड़ी खबर। और बड़ी खबर है कि अंबेडकर नगर में दो पक्षों में बवाल हुआ है, जमीनी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, खूनी संघर्ष में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, लखनऊ रेफर किया गया। अंबेडकर नगर में दो पक्षों के बीच में बवाल हो गया है, बवाल इतना बढ़ गया कि आपस में मारपीट पर उतारू हुए, जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष में आपस में भिड़े हैं, खूनी संघर्ष हुआ है और इसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुशीनगर में हो रही मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं, सड़कों और गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है जिससे लोग परेशान हैं, लेकिन करें भी तो क्या, सिस्टम ने भी लाचारी दिखा दी। ये गाड़ियां किसी तालाब में नहीं बल्कि सड़क पर ही दौड़ रही हैं। हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुदरत और सिस्टम ने इसे तालाब में तब्दील कर दिया है। कुशीनगर में मूसलाधार बारिश हुई तो सड़कें पानी से लबालब हो गईं, घरों में पानी भर गया, हालात ऐसे हो गए कि सड़कें समंदर लगने लगी और मोहल्ले स्विमिंग पूल जैसे नजर आने लगे। चारों तरफ पानी भर जाने से यहां के निवासियों को सड़क पर भरे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। रोडवे में पूरा पानी लग गया है अभी एक हफ्ता से, और पूरा नाला पूरे घर में जो है पानी लग गया है, और आने जाने कोई रास्ता नहीं है, और परेशानी परेशानी हो रहा है। हाँ, प्रशासन सुन नहीं रहा है, मौसम का वही हाल है। कुशीनगर में मूसलाधार बारिश और जलभराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। बारिश के बाद हुए जलभराव ने नगरपालिका के नाला सफाई अभियान की पोल भी खोल दी है। अभी तो पहली बारिश हुई है और नाले चोक हो गए हैं। नगरपालिका के अधिकारी नालों के सफाई के लिए सोचते रह गए और बारिश ने बंटाधार कर दिया। सोचिए अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। साहब आने जाने वालों के लिए प्लस यहाँ पे स्टैंड भी है साहब, जहाँ पे काफी मतलब मेरे ख्याल से 200 ड्राइवर हैं जो बहुत ही गरीब तबके के हैं और गाड़ी चलाते हैं। कितना पानी लगा है, लगातार बारिश हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है। काफी परेशानी हो रही है साहब हम लोगों को। आज हम जानते हैं कि 4 दिनों से हमारे ड्राइवर चल नहीं रहे हैं साहब, और आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। पूरे शहर में जलभराव की समस्या है, लेकिन इसके लिए किसे कोसें, किससे गुहार लगाएं, जब सिस्टम ही फेल हो चुका है। अब सिस्टम से तो कोई उम्मीद बची नहीं है, इसलिए राम का नाम लीजिए, शायद इंद्रदेव की कृपा हो जाए। केडी यादव, कुशीनगर, हिंदी खबर। तो ये हालात सिर्फ कुशीनगर का ही नहीं है, बल्कि पीलीभीत में भी बारिश के बाद ऐसे ही हालात हैं। पीलीभीत में बारिश के बाद सड़कों की हालत खस्ता हाल हो गई है। लड़खड़ाता हुआ ये घोड़ा, गाड़ी को धक्का लगाते ये लोग, और सड़क में फंसा हुआ ये ट्रक, ये उस नारे की हकीकत बता रहा है जो 90 से हमारे देश की राजनीति और राजनेताओं के जीवन में अहम रोल अदा करता है। गड्ढा मुक्त सड़कें, जी हाँ, ये वही नारा है जिसे आपने कई बार नेताओं के मुंह से सुना होगा। चुनाव के वक्त और नतीजों के बाद भी ये नारा अक्सर राजनेताओं के मुंह से सुनाई दे ही जाता है। 90 के दशक से ही गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही जाती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। ये तस्वीरें पीलीभीत हरिद्वार मार्ग की हैं, जो अब सड़क नहीं दलदल बन चुका है। हाईवे पर आने वाले वाहन इस दलदल में धस जाते हैं, लेकिन अधिकारी जल्द मार्ग निर्माण कराने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बरेली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये पिछले 15 सालों से निर्माणाधीन है। समय समय पर इस पर काम होता है और काम ठेकेदार छोड़ के चले जाते हैं, इसकी वजह से अभी तक इसका पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ है। अमरिया की स्थिति तो बहुत चिंताजनक है, और कुछ समय बाद बरेली हरिद्वार के लिए कांवर भाइयों का भी निकलना गुजरना होगा, और यहाँ पर इस मार्ग पर दलदल जैसी स्थिति होगी, गहरे गहरे गड्ढे हैं। रोड की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है, गड्ढे हो गए हैं, कई बार लोग बाजार को जाते हैं, नया पार एक बाजार लगता है साफ सफाई, कई बार महिलाएं वहाँ गिर गई हैं, मोटरसाइकिलों से गिर जाते हैं। आज की डेट में इतनी खराब हालत है हम बता नहीं सकते, बरसात में भी कई बार जाम लग जाता है, और इसके लिए कई बार जो है उच्च अधिकारियों को भी कहा गया है।
पीलीभीत के तहसील अमरिया मुख्यालय के सामने से कस्बे में होता हुआ एक किलोमीटर लंबा ये हाईवे रोड है जो बरेली पीलीभीत से अमरिया होते हुए हरिद्वार को जोड़ता है। अमरिया तहसील मुख्यालय के ठीक सामने हाईवे पर गहरे गड्ढों से रोज हादसे हो रहे हैं। इसके अलावा कस्बे की पटवारी मार्केट के सामने हाईवे पानी से जलमग्न हो गया है और लगातार वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन हमारा प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 17 जुलाई को इसी रोड से होकर कांवरियों का काफिला हरिद्वार को निकलेगा। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि 2 साल पहले मार्ग निर्माण का टेंडर जिस कंपनी को दिया गया था वो काम नहीं कर सकी, जिसके चलते उस कंपनी का टेंडर निरस्त कर दूसरी कंपनी को दिया गया। जल्द मार्ग का निर्माण शुरू हो जाएगा। यह मार्ग लगभग 2 वर्षों से बन रहा है लेकिन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। इसके संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसके द्वारा बनाया जा रहा था, टेंडर लिया गया था, उसको उन्होंने काफ़ी लिखा पढ़ी किया। उन्होंने जवाब दिया है कि जो व्यक्ति टेंडर लिया था उसका टेंडर जो है निरस्त कर दिया गया है। अलग से टेंडर करा करके मार्ग निर्माणी कार्रवाई की जा रही है। शेष जो चलने योग्य मार्ग कर लिया जाए इसके लिए हम PWD के अधिशासी अभियंता से बात किया है टेलीफोन पे और उनको पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में हम इसको टेम्परेरी चलने हेतु कर देंगे। तो 17 से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा यहीं से होकर गुजरेगी, लेकिन बावजूद इसके इस रोड की हालत बद से बदतर बनी हुई है। ऐसे में अधिकारी भी काम के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस सड़क को गड्ढा मुक्त कब बनाया जाएगा। नसीम अख्तर, पीलीभीत, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।